दोस्तों वेलकम टू शांस फूड गैलरी। आज बनाते हैं एक स्टार्टर, कुछ डिफरेंट है, मतलब ब्रोकोली तंदूरी। तो ये बड़ा साइज वाला एक ब्रोकोली लिया, जीरा, ये है धनिया, हमने ले लिया थोड़ा सा अदरक, तो अदरक का एक पेस्ट बना लिया, काली मिर्च, काला नमक मतलब ब्लैक सॉल्ट है, कश्मीरी मिर्च का पाउडर है, कसूरी मेथी तो इसको भी हम पीस लेंगे और एक ड्राई पाउडर बना लेंगे। हमने यहाँ पे ले लिया सौंफ, गरम मसाला में हमने ले लिया थोड़ा सा 1 इंच साइज का एक दालचीनी, थोड़ा सा कबाब चीनी और 4-5 इलायची और एक स्टार एनिस और कुछ लौंग, तो ये भी जाएगा वो तंदूरी वाला जो मसाला है वो तंदूरी वाला मसाला में। और वो जो तंदूरी वाला मसाला मैं बोल रहा हूँ उसके लिए चाहिए हंग कार्ड। हंग कार्ड मतलब टांगा हुआ जो कार्ड होता है जिसमें पानी निचोड़ के हम सॉलिडिफाइड कर्ड को ले लेंगे। और हम ले लेंगे थोड़ा सा भुना हुआ बेसन। दोस्तों हमने एक छन्नी ले लिया और छन्नी के ऊपर बिछा लिया एक किचन टॉवल और हम 500 ग्राम कर्ड को हम डाल रहे हैं यहाँ पे। देखिए इसका जितना पानी है पानी को निकाल लेना पड़ेगा। अब ज्यादा निचोड़ेंगे तो इसका दही भी निकल के आएगा, तो इसके लिए हमको थोड़ा जेंटली इसको प्रेस करके पानी निकालना है। अभी हम इसको 1 घंटे के लिए ऐसा ही खुला छोड़ देते हैं, तो हम इसको रख देते हैं साइड में। दोस्तों हमने एक पैन को लगा दिया गैस पे, तो हम पहले बिछा देते हैं थोड़ा सा नमक, यहाँ पे है 1 चम्मच धनिया, 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून जीरा, इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं। प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए हम इसके साथ ही भून लेंगे अपना सौंफ और कसूरी मेथी और बनाएंगे एक मिक्सचर। ये हॉट पैन से हम उतार देंगे, नहीं तो ये मसाला जलता रहेगा। तो ये है अपना मसाला, हम इसका एक फाइन डस्ट बना लेंगे। तो दोस्तों ये है अपना पाउडर, अभी हम इसमें ही पीसेंगे व्हाइट पेपर एंड ब्लैक पेपर। लगा देता है ढक्कन और पीस लेते हैं। अभी गरम मसाला को पीस लेते हैं। दोस्तों ये खुद का गार्डन का ब्रोकोली है, तो इसका मजा ही कुछ और है बना के खाने का। ब्रोकोली का जो डंटल है, जो डंडी वाला पार्ट है, उसको पूरा का पूरा मत निकालिए, जितना डंटल हो सके उतना डंटल रखिए। तो दोस्तों ब्रोकोली का ये साइज ठीक रहेगा, तो ये दिखने में भी अच्छा लगेगा और ये साइज भी ठीक लगेगा, तो डंटल पूरा मत निकाल दीजिए। तो ये देखिए ये ऑलमोस्ट सेम साइज का आ रहा है, राइट। तो ये वाला हम ऐसे ही साइज करके बाकी का ब्रोकोली को भी चॉप कर लेंगे। हमने यहाँ पे 1/2 कप बेसन लिया है और पैन को चढ़ा दिया, हम बिछा देते हैं बेसन को और थोड़ा सा भून लेते हैं इसको, बस हो गया। और हम इसको ट्रांसफर कर देंगे अपना बोल पे, बस हाथ को चलाते रहिए और बेसन को ट्रांसफर कर दीजिए एक कांच के बोल पे। हम करीब यहाँ पे 2 लीटर पानी ऐड किए, पानी को बॉईल होने दीजिए, तब तक हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं। तो ब्लांचिंग 1 से 2 मिनट, 1 से 2 मिनट उससे ज्यादा नहीं, हम डाल देते हैं नमक, पानी में डाल देते हैं थोड़ा सा विनेगर, तो इससे ब्रोकोली का कलर प्रिजर्व हो जाएगा। तो हम वेट करते हैं एक उबाल आने के लिए। दोस्तों पानी में सफिशियंट उबाल आ गया है, हम ब्रोकोली को उठाते हैं और डाल देते हैं पानी में। दोस्तों छोटा सा एक टिप्स, आप जब ब्रोकोली को तंदूरी मसाला में प्रोसेस करेंगे उस टाइम आप ध्यान दीजिए कि ब्रोकोली पूरा का पूरा ड्राई रहे, तो जरूरत पड़े तो उसको बर्फ से निकालने के बाद एक सूखे कपड़े से उसको पूरा का पूरा उसका पानी को ड्राई कर लीजिए। चलिए अभी ब्रोकोली को उठा के डाल देते हैं बर्फ में, इमीडिएट शिफ्टिंग, और इसमें डाल देते हैं इमीडिएटली मशरूम। दोस्तों हम इसमें डाल देते हैं पानी, तो ये चिल्ड वाटर हो गया, हम उठा लेते हैं मशरूम को और डाल देते हैं इसमें। अभी हम हाथ से ही इसको उठाकर मूव करते हैं, बस हो गया ये ठंडा।
अभी चिलिंग वाटर में इसको थोड़ा टाइम रेस्ट करने देते हैं। तो दोस्तों ये आएगा इसका टेक्सचर और हम इसको ऐसे ही रेस्ट करने देते हैं। फिर इसको स्ट्रेनर में डाल के पानी को छान लेंगे और ब्रोकोली को रख देंगे। तो चलिए हम बना लेते हैं इसका ये तंदूरी का जो मसाला है, तंदूरी का मसाला। तो देखिए इसमें अभी कोई भी पानी है ही नहीं। मिलाते हैं कार्ड के साथ कश्मीरी मिर्च का पाउडर, फेंटते रहिए। अभी हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई स्पाइसेस, हम डाल देते हैं इसमें अदरक, अदरक भी बहुत फाइन पेस्ट बनाया, डाल देते हैं इसमें काला नमक, काला नमक से बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है। ऐड करते हैं अपना ब्लैक पेपर और वाइट पेपर पाउडर। ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, साथ में रहिए। तो दोस्तों अच्छे से फेंटते रहिए इसको, हम मिला देते हैं अभी अपना जो कसूरी मेथी वाला जो पाउडर बना था ना, वो पाउडर हम डाल देते हैं। गरम मसाला एक नींबू का रस डाल दीजिए, तो इससे कंसिस्टेंसी भी थोड़ा लाइट हो जाएगा, ये सॉल्यूशन को मिलाने में भी आसानी होगी। अभी मैं लूंगा ये भुना हुआ बेसन है एक चम्मच, पहले एक चम्मच डालेंगे फिर हम दूसरा बैच डालेंगे, कुछ भी लंप नहीं रहना चाहिए इसमें। हम मिलाएंगे आधा चम्मच नमक और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग, डाल देते हैं थोड़ा सा फ्रेश क्रीम। अभी तक हमने इसमें सरसों का ऑयल मिलाया नहीं। दोस्तों मिला देते हैं जेनरस क्वांटिटी का सरसों का ऑयल, ये तंदूर का मसाला बाकी कोई ऑयल से अच्छा नहीं बनेगा। धावा स्टाइल है तो धावा का फ्लेवर ही रखिए, सरसों का ऑयल। हम मिला देंगे थोड़ा सा और कश्मीरी चिली पाउडर, ये सब ड्राई मसाला, इसको ड्राई बनाने के तरफ लेके जाएगा। मिलाएंगे ब्रोकोली के साथ और डालेंगे बेकिंग ट्रे में। हमने माइक्रोवेव को हमने ऑलरेडी प्री हीट करने के लिए रख दिया है 180 डिग्री में फॉर 15 मिनट्स। थोड़ा सा संभाल के, ऑलरेडी ओवन प्री हीटेड है, हम 180 डिग्री पे इसको रखते हैं फॉर 30 मिनट्स। तो 25 मिनट्स में हम इसको निकालेंगे और निकाल के इसके ऊपर ग्रीस करेंगे बटर। तो चलिए आगे वेट करते हैं क्योंकि अभी अपना कोई काम है ही नहीं। दोस्तों आप देख सकते हो कि ऑलरेडी अपना जला हुआ मार्क आ चुका है। ऐसा एक फोर्सेप्स से हम इसको पलट देंगे, पलट के हम दूसरे साइड पे लगा देंगे बटर, तो नीचे का जो पोर्शन है ना उसमें जाएगा बटर। अब देखो इसमें जला हुआ दाग ऑलरेडी आ चुका है, बस ब्रोकोली को हमको थोड़ा पलट के इसमें ग्रीस करना है बटर कि ऊपर से भी ये जला हुआ दाग आ जाए। तो आप एक बार भरोसा करके ट्राई करके देखो। तो चलिए अभी हम इसमें ग्रीस करते हैं बटर, लिक्विड बटर ग्रीस कर देते हैं। अभी हम फिर से इसको डाल देंगे माइक्रोवेव में और पकाएंगे फिर
5 टू 7 मिनट्स। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी एंड स्टेइंग विद दिस कुकिंग फॉर सो लॉन्ग। तो गुड नाइट दोस्तों, अच्छे रहिए, खुश रहिए, खाना बनाते रहिए, कोई भी कमेंट मत डालिए, शेयर मत कीजिए, कुछ नहीं, लाइक मत कीजिए। अगर आपको नया वीडियो चाहिए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड स्टे वेल, स्टे सेफ।